बेमिसाल हुस्न की मलिका और मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करने वाली ऐश्वर्या राय न सिर्फ खूबसूरती और अदाकारी में अव्वल है बल्कि वो अच्छी माँ, पत्नी और बहू भी साबित हुई है। बच्चन बहू ऐश्वर्या को अक्सर पॉजिटिव माँ का टैग देकर ट्रॉल किया जाता है। हालांकि उन लोगों की भी कमी नहीं है जो ऐश्वर्या को परफेक्ट मॉम बताते हैं। जिस तरह से ऐश्वर्या हर पल आराध्या की हम साया बनी रहती हैं, उन्हें देखकर फैंस माँ हो तो ऐसी कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक बार एक सिरफिरे ने ऐश्वर्या को ही अपनी माँ बता डाला था? जी हाँ, उस शख्स ने दावा किया था कि वह ऐश्वर्या राय का बेटा है, ऐश्वर्या उसकी बायोलॉजिकल माँ है और अब उसे अपनी माँ के साथ ही रहना है। उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि ऐश्वर्या का बेटा होने का दावा 29 साल के एक शख्स ने किया था। ये किस्सा है आज से 5 साल पहले का, यानी साल 2016 का। तब ऐश्वर्या की उम्र 43 साल थी। तब विशाखापत्तनम के रहने वाले 29 साल के संगीत नाम के एक शख्स ने दावा किया था कि ऐश्वर्या उसकी माँ है, ऐश्वर्या ने उसे जन्म दिया है। मीडिया में दिए अपने बयान में संगीत नाम के उस शख्स ने कहा था कि साल 1988 में ऐश्वर्या राय ने IVF तकनीक से लंदन में उसे जन्म दिया था। शख्स के उस सनसनीखेज दावे से हर कोई हैरान रह गया था। संगीत ने तब और भी कई हैरतअंगेज खुलासे किए थे। ऐश्वर्या के उस फर्जी बेटे का कहना था कि जन्म के बाद 2 साल तक ऐश्वर्या के माता पिता वृंदा राय और कृष्णा राज राय ने उसका पालन पोषण किया था। इसके बाद उसे विशाखापत्तनम की एक दंपति ने गोद ले लिया था। पिता आदिवेलु रेड्डी उन्हें विशाखापत्तनम लेकर आए थे और तभी से वो इस परिवार के साथ रह रहा है। हालांकि जब संगीत से अपनी बात को सही साबित करने के लिए सबूत मांगा गया तब वो सबूत पेश नहीं कर पाया था। संगीत के मुताबिक उसके जन्म से जुड़े सभी सबूत उसके परिवार ने पहले ही मिटा दिए थे। उसकी एक ही मांग थी उसकी माँ। वो चाहता था कि ऐश्वर्या अब उसके साथ मंगलुरु में ही रहे। यहाँ तक कि उसने तो ये भी दावा कर दिया था कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, वो दोनों अलग रहते हैं। साथ ही वो ऐश्वर्या का फोन नंबर भी चाहता था। उसने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरी माँ का फोन नंबर मेरे पास हो ताकि मैं आज़ाद रह सकूँ। हालांकि पहली नजर में ही संगीत नाम के उस शख्स का दावा झूठा साबित हुआ था, क्योंकि साल 1988 में जब उसका जन्म हुआ तब ऐश्वर्या की उम्र सिर्फ 14 साल की रही होगी। वो 8th या फिर 9th क्लास की ही स्टूडेंट रही होंगी। ऐसे में ऐश्वर्या का IVF तकनीक से माँ बनना और लंदन में बच्चे का जन्म होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ऐश्वर्या को अपनी माँ बताने वाले संगीत का ये दावा लंबे वक्त तक सुर्खियों में छाया रहा था। कुछ दिन बाद ही उस शख्स का सच सामने आ गया था। उसका नाम संगीत नहीं बल्कि आदि रेड्डी संदीप था। AP स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम कर रहे बस कंडक्टर का वो बेटा था। विशाखापत्तनम पुलिस ने संगीत के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हुए कहा था कि अगर ऐश्वर्या राय शिकायत करती है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन बच्चन परिवार या फिर ऐश्वर्या राय की तरफ से इस बेबुनियाद दावे पर तब कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।